हाँ जी, सीएम में इंटर वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो आ गई है। आपके जो चैप्टर, आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉस्टिंग का। पूरे पेपर की स्ट्रेटजी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन से नंबर के क्वेश्चन पे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। बस आपको जरूरत होती है थोड़ा सा एनालिसिस, और वो आपको भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एबीसी कैटेगरी। आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप कौन कौन से चैप्टर को टारगेट करेंगे, तो मैक्सिमम चैप्टर, मैक्सिमम पेपर आपका कवर हो रहा होगा। और इस बार ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर करना है, कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ये एक नंबर शेयर करता हूं मैं, जैसा कि हर एक वीडियो में आपको वीडियो लेक्चर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर आप कोई क्रैश कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, जिसमें जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर के क्वेश्चन और कवरेज हो जाए, वो भी आपको इसी नंबर पर पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, कैसे आप लेक्चर्स को फ्री ले सकते हैं और कैसे कुछ पेमेंट कर आप रिमेनिंग लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है लॉ के ऊपर, जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा उसे प्लीज देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और इस बार कॉस्टिंग में पेपर में देखिएगा, जो जो चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा यहां पर, उसमें से मेजॉरिटी पेपर आपको वहीं से दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो सीएम ने इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल क्लेरिफाई कर देता है कि हम कौन से क्वेश्चन नंबर पर, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाले। सब कुछ सीक्वेंस प्री डिसाइडेड है, आपको बस जरूरत है उसे पहचानने की और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की, ताकि कम से कम समय में मैक्सिमम कवरेज हो सके। मेरे हाथ में है ये एक पेपर की स्ट्रेटेजी जो सेक्शन बी को कवर करती है। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज आते हैं 2 नंबर के, 30 मार्क्स का पेपर आपका वहां से आता है। अब जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन नंबर और जो चैप्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसको वेरीफाई कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वेरीफिकेशन करना है। मेरे हाथ में है सीएमए इंस्टीट्यूट का जून 2024 का एक मॉक टेस्ट पेपर, सिलेबस 2022 का, सारे एक एक क्वेश्चन मैं आपको मैच कराऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी हमने पहले से बनाई हुई है, लेकिन जो लेटेस्ट एमटीपी आ रही है आपकी वो भी उसी पैटर्न पे आ रही है। तो पहले मैं बताता हूं आपको, जैसा आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके यहां पर शुरू होगा और 5 क्वेश्चन करने हैं 7 रिमेनिंग में से, जिसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। जैसे हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए आएगा वो कॉस्ट शीट से आएगा, और जो सेकंड का बी आएगा वो या तो मटेरियल से आएगा या लेबर से आएगा। ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो मटेरियल से आने के होते हैं। मैंने आपका सेट वन निकाल, जो पेपर है आपका मॉक टेस्ट पेपर, उसका सेक्शन बी निकाला मैंने, और सेक्शन बी में 7 के 7 मैच करते हुए चलेंगे कि क्या जो मैं बता रहा हूं वैसा सच में है भी या नहीं। तो ये देखिए सेक्शन का, सेक्शन नंबर बी का सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, और हमसे बोला है कि आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है। तो जो सेकंड का ए क्वेश्चन है वो आपका कॉस्ट शीट से है, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से भी जो पेपर आया है वो है कॉस्ट शीट का। इसके बाद मैं ये भी समझाने वाला हूं आपको कि कैसे कम से कम चैप्टर में आप मैक्सिमम पेपर कवर कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से आएगा मटेरियल और लेबर, और ज्यादातर चांसेस होते हैं मटेरियल के आने के। तो हम आए इस वाले पेपर में, देखिए जरा सेकंड का बी पार्ट जो है वो कहां से आया है, आपको ईओक्यू निकालना है, और ईओक्यू का कंसेप्ट कौन से चैप्टर में पूछा जाता है, मटेरियल चैप्टर में। तो जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वैसा ही आपके मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे हिसाब से थर्ड का, जो हमारे हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो आएगा थर्ड का ए, एक क्वेश्चन आपका आएगा ओवरहेड से और एक आएगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, मतलब जॉब कॉस्टिंग से भी पूछा जा सकता है। तो हम आए इधर, क्या थर्ड का ए पार्ट ओवरहेड से है, आंसर इज यस। आपको बताना है हायर चार्जेस वगैरह देने हैं, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो मतलब ओवरहेड्स के डायरेक्ट वाला पार्ट आपको निकालना है, अपोर्शनमेंट करके दिखाना है, मतलब प्लस माइनस करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आएगा आपका कहां से, प्रिपेयर पास द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसी चैप्टर जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर है उसी के अंदर आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, यहां पर आपको जनरल एंट्रीज पूछी गई है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, देखिए जरा ध्यान से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से, कई जगह इसे सर्विस कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज कवर नहीं होती, जैसे सी इंटर वाले बच्चों में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज कवर होती है, आपके में मेजरली सर्विसेज और हॉस्पिटल पे ही फोकस किया जाता है मेजॉरिटी पार्ट में। तो जो फोर्थ का ए क्वेश्चन आएगा हमारे हिसाब से आपके पेपर में वो आने वाला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। तो हमने लिखा फोर्थ का ए पार्ट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस कंपनी है, 50 पैसेंजर्स है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री से ही आया है आपका, और हमारे यहां पर फोर्थ का ए पार्ट यही ऑपरेटिंग से था, और ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा या तो कॉन्ट्रैक्ट से आएगा या प्रोसेस से आएगा।
जाएगा फोर्थ का बी पार्ट। हमने खोला आपका एमटीपी, ये देखिए फटाफट से यहां पर भी आपका फोर्थ का जो बी है वो क्या आया है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर, मतलब फोर्थ का बी पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट से आया है। सीए इंटर में डिलीट हो चुका है लेकिन सीएमए इंटर में अभी भी पूछा जा रहा है, तो सारे बच्चे इसको भी कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हिसाब से जो फिफ्थ पार्ट है आपका वो आएगा या तो प्रोसेस और जॉइंट बाय से, और एक क्वेश्चन आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में सिर्फ मटेरियल और लेबर ओवरहेड के मटेरियल वेरियंसेस हैं और लेबर वेरियंसेस हैं, ओवरहेड वेरियंसेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब ग्रुप टू में है, ग्रुप वन में नहीं है, कई सारे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, तो मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स ही आपको कवर करके जाने हैं। तो हमारे हिसाब से या तो क्वेश्चन आएगा प्रोसेस या जॉइंट बाय का फिफ्थ का ए, और जो फिफ्थ का बी रहने वाला है वो रहने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन आया है, बाय प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है आपको, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना ले, मतलब जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया है, और जो बी पार्ट है आपका यूजिंग द फॉर्मूला आपको थ्री लेबर के वेरियंसिस कैलकुलेट करने हैं, शायद आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, और हमारे हिसाब से भी यही है कि आपसे इसके वेरियंसिस पूछे जाएंगे या तो मटेरियल का या लेबर का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट होता है। कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, पेड भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट सिक्स जो क्वेश्चन है आपका, जनरली तो वो एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, मतलब काफी सारे चैप्टर्स को मर्ज करके, लेकिन कई बार देखा गया है कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा घुमाया जा सके, और मेजॉरिटी बच्चों का डाउट मार्जिनल कॉस्टिंग में ही होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी दिखाता हूं, मैं आपको लेक्चर दूंगा और अगर आप उसे पढ़ के बता दें कि मार्जिनल कॉस्टिंग में एक भी डाउट रह जाए तो मुझे बताना। तो सिक्स जो क्वेश्चन होगा वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होगा और मार्जिनल से ही होगा, जैसे आप चेक कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट है इस ईयर का, तो ये मार्जिनल का क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन जो आएगा वो पूरे के पूरे 14 मार्क्स का आएगा, और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी जो सिक्स क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स है, बाकी सारे क्वेश्चन 7-7 नंबर के पार्ट में आते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका सेवंथ और एट्थ, सेवंथ जो क्वेश्चन होगा उसका आधा पार्ट जो होगा वो आपका होगा बजट से, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, और बाकी रिमेनिंग पूरा पेपर आपका थ्योरी होगा। दिखा देता हूं आपको, जैसे सेवंथ के ए पार्ट में अगर आएंगे तो सेवंथ के ए पार्ट में आपको क्या करना है, फिक्स और वेरिएबल, सेनी वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना है, बड़ा आसान है। ये सिमिलर क्वेश्चन सीए इंटर वालों में भी है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल पार्ट था, मतलब बजट से क्वेश्चन था, और बाकी सारी आपको थ्योरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, बाकी पूरा पेपर थ्योरी है, और ये था आपका पेपर पैटर्न। आई होप ये पेपर पैटर्न जानकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको प्रिपरेशन किस कैटेगरी में लेके जानी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए, एबीसी एनालिसिस वर्ड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ए एनालिसिस कर जाइए और बी और सी को छोड़ जाइए। कैटेगरी मतलब वर्ड का मतलब होता है कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो लेंदी हैं या फिर ऐसे हैं कि पहले करोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर कैसे करने चाहिए, सीक्वेंस बिल्कुल आपके सामने है, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर तो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ने किसी भी सीक्वेंस में, मतलब छोड़ना नहीं है। कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, रिकंसिलेशन और बजट, ये आपको मेजॉरिटी प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं ताकि आप मैक्सिमम कवरेज ले सकें एग्जाम में। ये ए कैटेगरी मैंने इस हिसाब से बनाई है कि आपके एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट कवर हो रहे हों, ऐसा ना हो कि आप एक एक दोनों पार्ट के आधा आधा क्वेश्चन आपको आता हो, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बी, मतलब इसमें थोड़े से लेंदी चैप्टर है जैसे कि प्रोसेस है, मटेरियल और लेबर थोड़े से छोटे चैप्टर है, तो यहां से कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है जो ए कैटेगरी में है, कई जगह मैंने ऑप्शन भी लिखा है लेकिन जो ए कैटेगरी में चैप्टर लिख दिए मतलब वो कंफर्म आने ही आने हैं। और जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो है आपकी कैटेगरी सी, और कैटेगरी सी में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अब आते हैं कि अब सर ये बताइए कि हेल्प कैसे मिलेगी। अभी आपके साथ स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, आपको मैसेज इस फॉर्मेट में करना है, अपना नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स यानी कि सीएमए इंटर न्यू कोर्स या 2022 जो भी, और सब्जेक्ट कौन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है। अब मैं आपको कैसे कैसे मदद कर सकता हूं जरा ध्यान से देखिएगा, आपको जो भी चैप्टर्स यहां पर मैंने लिखे हैं इनमें से किसी भी एक चैप्टर को आप सिलेक्ट कर लीजिए कि सर एक चैप्टर के लेक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दीजिए, मैं उस एक चैप्टर के लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आप नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तभी, अगर आपके जो क्वेरी का फॉर्मेट होगा व्हाट्सएप पे वो इस फॉर्मेट में होगा, आपको मैं वीडियो लेक्चर दूंगा, पढ़िए जरा ध्यान से और बताइएगा मुझे कि क्या नाम है, आपको समझ में आया या नहीं आया। लेकिन अगर आपके 3 से 4 चैप्टर डाउट में है, हमेशा परेशान करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं आप उसका सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं। एग्जाम तक ये ऑफर वैलिड है, 100 रुपीज की बस एक पेमेंट लगेगी आपको, और कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करके आप उससे ले सकते हैं। एक जो फर्स्ट चैप्टर जो है, कोई भी चैप्टर आप बोले वो आपके लिए हमेशा रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे जिनका एक ही चैप्टर डाउट में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हैं, और कई सारे बच्चे जिनके 3-4 चैप्टर डाउट में, आप पहले एक लेक्चर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बेनिफिशियल लगे तो अगले लेक्चर की तरफ बढ़िएगा। इन्फॉर्मेशन बाकी सारे बच्चों से शेयर कर दीजिएगा जो एंड टाइम पे काफी सारे जो महंगे महंगे कोर्सेज हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते और लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से एग्जाम में रह जाते हैं। टारगेट करेंगे कि इस बार जो पेपर आने वाले हैं उसमें आपके पूरे पूरे एग्जामिनेशन के चांसेस के साथ ही आप पास हो। पेपर पैटर्न कहीं से भी अलग नहीं आएगा, जो बच्चों ने वीडियो यहां तक देखी है
एंड तक, वो मुझे पता चलेगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आप बोलोगे कि जैसे सर सीए इंटर वालों के लिए आप सुपर 40 लाते हो, ऐसे हमारे लिए भी चैप्टर्स के लिए सुपर 40 लाइए कि इन इन क्वेश्चन को करके चले जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो जो बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखी होगी वही बच्चे जान पाएंगे कि हाँ कमेंट करना है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए कॉस्टिंग के लिए या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप बोलोगे 40 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करके लाऊंगा कि उसमें मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे, आपका एग्जाम का क्वेश्चन उसमें से पक्का पक्का फंसेगा। तो अगर यहां तक आए हो तो पक्का पक्का वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, काफी कम बच्चों तक पहुंच रही है एज कंपेयर टू सी एंटर। तो कोशिश करिएगा लाइक वगैरह करके शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नए एक अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तो अब थैंक यू सो मच।